अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई दीवानमान तालाब के पास, इस सर्कल के यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक चौराहा है, व्यस्ततम चौराहा है। इस तरफ बाहर का रास्ता ये पार्वती क्रॉस के वहाँ निकलता है, तो दूसरी तरफ ये मणिकपुर की तरफ निकलता है। इस तरफ का रास्ता साईनगर होकर स्टेशन की तरफ बाहर निकलता है, और एक ये चौथा रास्ता इस तरफ का दीवानमान अंदर की तरफ जाता है। यहाँ रास्ते पर यहाँ एक बड़ा हादसा आज हुआ, हादसे में एक महिला की जान गई। दरअसल कुछ ही समय पहले की ये घटना है, जब एक महिला को रेशनिंग डिपार्टमेंट की एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं विजुअल में अभी कितना व्यस्ततम यह रास्ता है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू है, काफ़ी सकड़ा ये रास्ता है, उसके बावजूद बड़ी बड़ी ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ एंटर होती है और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जो महिला, 75 वर्षीय महिला जिनकी मौत हुई है, उनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ऐसे सकड़ों रास्तों पर बड़ी ट्रक को आना बराबर है, बड़ी ट्रक को परमिशन दिया जाना बराबर है। वसई विरार में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जहाँ इन बड़े वाहनों को रोका जाए। ये बड़े वाहन सरपट दौड़ते हैं, हर दिन हम देखते हैं जब टैंकर से हादसे होकर लोगों के मरने की खबरें आती है। आज थोड़ा अलग है, टैंकर ने नहीं कुछ लाए, आज राशनिंग डिपार्टमेंट की ट्रक ने कुछ लाए। क्या लेकिन राशनिंग डिपार्टमेंट के पास छोटी ट्रक अवेलेबल नहीं है, छोटे टेम्पो अवेलेबल नहीं है? जब छोटे टेम्पो अवेलेबल है तो क्यों ऐसे सड़कों पर, ऐसे सकड़े रास्तों पर वो बड़ी ट्रक को भेजते हैं? ये सवाल बड़ा है। क्या इसमें दोष सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर का है? नहीं, इसमें सिस्टम का भी दोष है। और ये सर्कल भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जिससे रास्ता भी यहाँ और कम चौड़ा हो गया है। ये भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस महिला की मृत्यु हुई, उनकी बॉडी को यहाँ से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, पंचनामा करके पुलिस उनके शव को ऑलरेडी भेज चुकी है शव विच्छेदन के लिए, पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए भेज चुकी है। और यहाँ से अभी काफ़ी पब्लिक का जमावड़ा था, सब पब्लिक जा चुकी है। हम ये आपको खबर दिखा रहे हैं, एक महिला की मौत आज यहाँ हुई है। ये चौराहा एक हादसे का चौराहा बन गया है, और वहीं रेशनिंग डिपार्टमेंट की ट्रक से यह हादसा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वसई से यूसुफ अली, मीना गुणवंत जवेरी। इधर अभी एक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? वो बाइक का मौत हो गया ना बेचारी का। अभी हमेशा इधर का बाइक का, इसकी गाड़ी का, इस ये रिक्शा का होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। सर्कल से क्या परेशानी? सर्कल से परेशानी, वो इधर लाइट था ना, रात को भी कितना अंधेरा रहता है, वो इतना सा लाइट लगाया है, वो उतने में कुछ उजाला नहीं रहता, उधर सब अंधेरा है, इधर अंधेरा है, वो इतना बड़ा लाइट रहता है, वो अच्छा रहता है। गाँव वाले अपने को क्या, उन लोग को थोड़ा बुरा बोलने वाले, वो जितना था उतना ही था, ये निकाल के ये लगाया है। हाँ, वो देखो वो खम्बा उधर ही है, जितना था उतना ही था, अभी खाली ये पार्टीशन ये लगा है, पर गाड़ी ऐसा टन मारने को थोड़ा जगह चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तब और वो थमला निकाल दिया ना, जब वो तो चलो अच्छा रहता था, वो निकाला वो ही लगा ना, अभी उधर ये लोग ने क्या किया मालूम नहीं, सब बंद कर दिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।